हेलो दोस्तों, रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोल रन किया था और मैंने लोगों से पूछा था कि उनके पास कितना पैसा है ट्रेड करने के लिए। और मेजोरिटी में जो आंसर निकल के आया वो था कि 1 से लेकर 1.5 लाख तक मेजोरिटी में लोगों के पास पैसा है, जो कि काफ़ी कम है अगर आप स्पेशली फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो। पोल को रन करने का जो मकसद था वो था कि ये जानना था मुझे कि लोगों के पास कैपिटल कितना है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं वीडियो बनाता हूँ उससे उनकी ज़्यादा हेल्प होगी। और जब लोगों के पास इतना कम कैपिटल है तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन होता नहीं है, उनके पास एक ही ऑप्शन होता है डे ट्रेडिंग, क्योंकि उधर से उनको 5x लेवरेज मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं खुद का एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने ग्रुप में बोला था, और इस स्ट्रेटजी से मैं खुद पैसे बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, हालांकि बहुत सिंपल है बट बहुत इफेक्टिव है। आप देख के हैरान हो जाओगे कि ये हमारे सामने होता था और हमने इसको ध्यान नहीं दिया। और इस स्ट्रेटजी बताने का एक ही मकसद है कि लोगों के पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी हो इंट्राडे के लिए और वो जल्दी से जल्दी अपना कैपिटल बड़ा कर पाएं। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास वो कंटेंट पहुँचाऊँ जो यूजुअली आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता है। लोग यूजुअली क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, RSI क्या होता है, IDX क्या होता है, कुछ नया लोग नहीं डाल रहे हैं। तो मैं आपको एक अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने AWL स्टॉक लिया हुआ है, अदानी का स्टॉक है ये, और अभी मार्केट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव मार्केट अभी ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। ये मैं लाइव मार्केट में क्यों वीडियो बना रहा हूँ, मेरा ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, और जब मुझे एक बार डिसेंट सा प्रॉफिट आ जाता है तो मैं पूरे दिन ट्रेड नहीं करता। तो जो स्टॉक का टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का। यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं आपको 2-3 स्टेप्स बताऊँगा, ठीक है। पहला स्टेप है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेना, ठीक है। दूसरा स्टेप है हमने कोई गैप अप स्टॉक देखना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप हुआ है, गैप डाउन वाला स्टॉक हमने नहीं देखना है, हमने सिर्फ गैप अप वाला देखना है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्या होगा, हमने जो कैंडल देखना है फर्स्ट कैंडल वो होना चाहिए रेड, गैप अप, और उसके बाद जो पहला कैंडल है 5 मिनट का वो होना चाहिए रेड। तो ये हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। इधर गैप अप हुआ है, फर्स्ट कैंडल रेड है और टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगर गैप अप के टाइम ये जो कैंडल है ये रेड की जगह ग्रीन होता है तो आप ट्रेड नहीं लोगे, गैप डाउन होता है तो आप ट्रेड नहीं लोगे। मैटर नहीं करता है कि वो रेड है, ग्रीन है, कोई भी कैंडल हो, ठीक है। हमने सिर्फ गैप अप वाले स्टॉक को सिलेक्ट करना है और ऊपर से हमने सिर्फ रेड वाले कैंडल को ही सिलेक्ट करना है। ग्रीन हुआ तो हमने उसको इग्नोर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे लेना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आई होप आपको अब थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर क्लोजिंग होता है पिछले दिन, ठीक है, और ये बीच वाला लाइन ये डे का डिवाइडर है। यहाँ पर अगले दिन की स्टार्टिंग होती है और यहाँ पर पिछले दिन का क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल पर पिछले दिन का क्लोजिंग है। तो अगर मैं लेवल चेक करने की कोशिश करूँ तो लेवल है ये, जस्ट 1 सेकेंड, ये है 718-19 के आसपास का लेवल है इसका, ठीक है। और अगले दिन ये ओपन होता है, ये होता है 723 रुपये पर, लगभग 3 से 4 रुपये ऊपर ओपन होता है। तो आप देख सकते हो जो पहला क्राइटेरिया था गैप अप और दूसरा क्राइटेरिया हमारा है रेड कैंडल, इसको मैं हटाता हूँ। अब हमने आगे क्या करना है, अब हमने 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पर मैं 15 मिनट में शिफ्ट हो गया, हमारा कहाँ गया, ये वाला। यहाँ पर हम देख रहे थे ये करंट डे का चल रहा है, हम पिछले दिन का देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लिया है और इधर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। 15 मिनट के कैंडल का हाई प्लस लो, जो डे का पहला कैंडल होगा उसका हमने हाई प्लस लो मार्क करना है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूँ, ठीक है। हमने हाई मार्क कर लिया, अब हम मार्क करेंगे ये लो वाला हिस्सा। अब यहाँ पर ना दो सिनेरियो होंगे, आपको मेजोरिटी में क्या होगा कि जैसे आपको ये रेड कैंडल दिखता है ना फर्स्ट 5 मिनट में, ज़्यादातर स्टॉक नीचे जाएगा। कई बार क्या होगा स्टॉक ऊपर भी जा सकता है, बट ये काफ़ी रेयर केस होता है। तो हमने ऊपर को ट्रेड नहीं लेना है, ये जो स्ट्रेटजी है ये बियरिश स्ट्रेटजी है, हमने सिर्फ शॉर्ट करके प्ले करना है, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट करके हमने बाय करके प्ले नहीं करना है इंट्राडे में। अब मैं आपको एंट्री वगैरह बताता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखोगे इधर इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और मैंने बोला था हमने सिर्फ बियरिश ट्रेड लेना है, तो इस लेवल पर इस कैंडल की क्लोजिंग होती है, तो आपने इसके क्लोजिंग पर एंट्री लेनी है। 15 मिनट का कैंडल है ये, ठीक है, इसके क्लोजिंग पर आप एंट्री लोगे। आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? दो चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा नहीं रखना चाहते, आप छोटा रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कैंडल के हाई पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है, इस कैंडल के हाई पर। या फिर अगर आप स्टॉप लॉस अपना थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो, तो फर्स्ट कैंडल के हाई पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो इधर। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आपको जो मूव मिलेंगे ना, वो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आप देख के हैरान हो जाओगे ये स्ट्रैटेजी कितने मक्खन की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे इधर हमारी एंट्री होती है, अगर मैं लेवल चेक करूँ तो ये है एंट्री हमारी लगभग लगभग 716 रुपये, और ये लो कितना मारता है अगले तीन कैंडल में, ये लो मारता है 24 पॉइंट का, लगभग 3.5% के आसपास का, ठीक है। तो अगर हम इधर देखें, तो अगर इस कैंडल का अगर हाई आप लेते हो, तो लगभग 6 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होता है, और आपको इधर जो लो देखने को मिलता है वो लगभग 22 पॉइंट्स के आसपास मिलता है, ठीक है। तो आपको इजीली 1:3 के आसपास मिल गया है। तो स्टॉप लॉस आपको बता दिया है। अभी आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? आप रिस्क रिवॉर्ड इजीली इसके अंदर, मैं इजीली बोल रहा हूँ, आप 1:2 का बहुत आराम से टारगेट कर सकते हो। बट मेरे साथ क्या होता है, 1:2 और 1:3 इजीली कैप्चर हो जाता है, और बहुत बड़ा मूव हो तो 1:4 भी चला जाता है। बट आप स्टार्टिंग में क्या करोगे, आप सिर्फ 1:2 का ही टारगेट करोगे, 1:3 और जो 4 है आप बाद में टारगेट करोगे, जब आपको थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, एटलीस्ट 30 से लेके 40 अगर आप ट्रेड ले लोगे। तो यहाँ पर मैं अगले एग्जांपल पर आ गया हूँ। इस स्टॉक का नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड करके नाम है। तो यहाँ पर अगर हम आज का देखें, तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो फिलफिल नहीं होता है, पहला ही कैंडल ग्रीन है, तो हम इसको इग्नोर करते हैं, हम इधर चलते हैं। तो इधर अगर हम देखें, तो आप देखोगे इधर कल की क्लोजिंग जो है इस लेवल पर होती है, और हमको इतना बड़ा गैप अप देखने को मिलता है, अगले दिन इधर मार्केट ओपन होता है, और जो पहला कैंडल है रेड है, तो हमारा दोनों क्राइटेरिया मिल गया। अब मैं आपको ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ पहले, जस्ट 1 सेकेंड, यस यहाँ पर ये जूम हो चुका है। तो अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, अभी ये जो टाइम फ्रेम है 5 मिनट का है, इसको मैं करता हूँ 15 मिनट पे, आ गया ये यहाँ पर, ये पिछले दिन का चार्ट है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इधर भी हाई और लो मार्क किया, इस वाले कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया है, तो इधर आपकी एंट्री बनती है इस लेवल पे, और अगर इधर आपका स्टॉप लॉस होता है, तो इजीली आपको 1:2 का इधर आराम से रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। आप याद रखना, जब भी आपको एक बड़ा कैंडल दिखे ना इसके जैसा, तो आप क्या करना, आपको बहुत बड़ा अपना स्टॉप लॉस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही कैंडल बहुत बड़ा है, तो आप इसके हाई पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ये बिल्कुल सही रहेगा। बट अगर छोटा कैंडल है, तो आप प्रेफर करना कि फर्स्ट कैंडल के हाई पर लगाना, तो इस ट्रेड के अंदर आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो हमने अगला स्टॉक सेलेक्ट किया है, इसका नाम है स्टार। तो यहाँ पर मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड्स हमारे बनते हैं, ठीक है। तो हम इधर फोकस करते हैं, इधर इधर इधर, तीनों जगहों पर हमको गैप अप देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये तीसरे दिन से स्टार्ट करते हैं, पिछले वाले दिन से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमने देखना है पिछले दिन का जो क्लोजिंग है इस लेवल पर होता है, और जो अगले दिन की ओपनिंग होती है यहाँ पर होती है, तो इतना हमें गैप अप मिल गया। उसके बाद क्या करना है, हमने देखना है जो फर्स्ट कैंडल है ये ग्रीन है या रेड, ये रेड है, दोनों क्राइटेरिया हमें मिल गए, गैप अप और पहला कैंडल रेड। अब हमने क्या करना है, जो टाइम फ्रेम है उसको कर देना है 15 मिनट, बहुत पीछे चला गया मैं, ये यहाँ पर मैं देख रहा था तीसरा दिन ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का हो चुका है, इधर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसका हाई पहले कैंडल का और पहले कैंडल का जो लो है वो दोनों हमने इधर लाइन ड्रॉ कर लिया। तो इस कैंडल ने, आप देखोगे इस कैंडल ने इस लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आपकी एंट्री इधर बनती है, और आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस आपका कहीं भी हिट हुआ नहीं है, आप देखोगे इस लेवल पर प्राइस गया ही नहीं है। तो हम देखें प्राइस कुछ टाइम तक इधर रहता है, फिर नीचे आता है, बहुत रैपिड मूव है, फिर एक ब्रेक, उसके बाद फिर से नीचे,
तो आपको इधर आराम से मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 1:5 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। अब इससे सिंपल और इससे इफेक्टिव स्ट्रेटजी आपको क्या चाहिए? कई बार क्या करते हैं लोग, सिंपल देख के ना उसको इग्नोर करते हैं कि सिंपल स्ट्रेटजी है, वर्क करेगा नहीं। मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं मेरी इतनी सिंपल हैं कि आपको एक मजाक लगेगा कि इससे भी पैसे बनते हैं। क्योंकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स अगर स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ ना, मेरे से ट्रेड होता ही नहीं है। मेरे को ऐसा स्ट्रेटजी चाहिए जहाँ पर ज़्यादा ब्रेन का यूज ही ना हो, ऐसा स्ट्रेटजी हो कि बच्चा भी उसको ट्रेड कर सके। तो ये स्ट्रेटजी कुछ ऐसी सी है। आपको कितना सिंपल मैंने बताया, गैप अप, पहला जो कैंडल है रेड, हाई लो मार्क किया, जैसे ब्रेक होता है आपने ट्रेड लिया और 1:3 1:4 का आप टारगेट करोगे, सिंपल। अब इससे ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? अब हम अगले दिन पर चलते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पर मैं 5 मिनट में वापस नहीं जाता, ये 15 मिनट पे ही रहने देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो यहाँ पर आप देखोगे पिछले दिन जो क्लोजिंग होती है ये यहाँ पर होती है, ठीक है, और अगले दिन जो ओपनिंग होती है यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर हमें इतना गैप अप मिल गया, ठीक है, पहला क्राइटेरिया गैप अप मिल गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, कि जो पहला कैंडल है वो रेड है ग्रीन है, ये रेड है, ठीक है, हमारा दूसरा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो गया। अब हमने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, हमने हाई और लो पर दो लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, बहुत ही सिंपल है, इधर और इधर। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और इस कैंडल ने भी की, बट रिजेक्शन आया, ठीक है, इधर ब्रेक हुआ नहीं, बट इस कैंडल ने जोरों शोरों से इस लेवल को ब्रेक कर दिया, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, इस लेवल पर हमारी एंट्री होगी इसके क्लोजिंग पर, और स्टॉप लॉस मान लेते हैं ये लेवल होगा क्योंकि कैंडल का साइज कहीं ना कहीं बड़ा है। तो ये हमारा हो गया स्टॉप लॉस, इधर हो गया हमारा एंट्री। तो अगर हम इसके लो पर जाएं तो मेरे हिसाब से 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। अब हम अगले दिन पे चलते हैं। याद रखना मैं स्ट्रोक नहीं बदल रहा हूँ, स्ट्रोक सारी है। तो अगेन 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं वापस 5 मिनट में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसा करता हूँ चला जाता हूँ। यस, सेम स्ट्रोक है, 5 मिनट में चला गया हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे पिछले दिन का जो क्लोजिंग होता है वो यहाँ पर होता है इस लेवल पर, और अगले दिन का जो ओपनिंग होता है वो होता है इस लेवल पर। तो इधर हो गया ओपनिंग, इधर हो गया क्लोजिंग पिछले दिन का, और इधर हमें गैप देखने को मिल जाता है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया हमें गैप देखने को मिल गया, और दूसरा क्राइटेरिया पहला कैंडल डे का स्टार्टिंग का जो पहला कैंडल है वो कौन सा कलर का है, लाल है या फिर हरा है। तो यहाँ पर हमको लाल देखने को मिल जाता है, तो हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच हो जाना है। इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उस पर स्विच हो जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैंडल का जो हाई है और उसका जो लो है वो हम मार्क करते हैं, और आप देखोगे ये जो तीसरा कैंडल है ना, ये वाला इस लाइन को इधर ब्रेक करता है, ये जो लाइन है ये तीसरा कैंडल ब्रेक करता है। सेकंड जो कैंडल है इसने ट्राई किया बट हुआ नहीं, तीसरे कैंडल ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ब्रेक किया है। बट यहाँ पर आप देखोगे ना, आपको हार्डली सिर्फ 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिलता है अगर आप क्या करते हो, जस्ट 1 सेकेंड, इधर आपकी एंट्री होती है और इधर मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस होता है, इधर आपकी होगी एंट्री और इधर हो गया आपका स्टॉप लॉस। तो आपको हार्डली सिर्फ 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, इधर मैंने 2 लिख दिया, 1:1 का ही आपको सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड मिला है। और आप याद रखना जब इतना बड़ा आपको कैंडल देखने को मिले ना, तो आपको अपना स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको हर चीज़ छोटी छोटी बातें आपको बता नहीं सकता, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग आपको भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो लगाने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो इस कैंडल पर ही आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं क्योंकि डिसेंट कैंडल है, इतना छोटा नहीं है और बड़ा है। तो यहाँ पर आपने देखा सेम स्टॉक से हमें 3 दिन लगातार ट्रेड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले दिन हमें जो मूव मिला है लगभग 4%, दूसरे दिन जो मूव मिला है वो लगभग 2%, और आज के दिन अगर हम बात करें तो लगभग 1%। आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर मैंने अभी देखा है, हालांकि मैंने बहुत क्लियर कर दिया था बट फिर भी कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे इधर पिछले दिन का क्लोजिंग होता है और इधर अगले दिन पहला कैंडल रेड बनता है, बट यहाँ पर आप देखोगे गैप डाउन हुआ है, ठीक है, गैप डाउन, और हमने गैप डाउन वाले स्टॉक ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ गैप अप वाले करना है, सिर्फ अप वाले। तो इस स्ट्रेटजी का अगर आप लॉजिक सोचना चाहो बहुत ही सिंपल है, अगर जब स्टॉक गैप अप होता है तो उसका जो लॉजिक होता है कि वो पॉजिटिव स्टॉक है, ठीक है, ग्रीन स्टॉक है,
कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर जा सकता है, बट अगर फर्स्ट कैंडल ही, फर्स्ट कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट कैंडल ही रेड बन जाता है, मतलब वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाता है, तो ये एक नेगेटिव साइन है। तो वहां से हम एक थॉट प्रोसेस लेके चल सकते हैं कि उसमें शायद गिरावट आ सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मेरे आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सर्च करके मत आप ज्वाइन करना, बहुत सारे फेक चैनल बन चुके हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू ही आप ज्वाइन करना। और जो मेरा टेलीग्राम हैंडल है वो सिर्फ ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ ऑप्शन है, लास्ट में एस नहीं है, सिर्फ ऑप्शन। और इस वीडियो के थ्रू कुछ भी आपको कुछ वैल्यू मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो यार। ये हमारा चैनल थोड़ा स्ट्रक कर गया है, इसको थोड़ा पुश चाहिए, तो प्लीज़ लाइक करो इस वीडियो को ताकि YouTube थोड़ा इस वीडियो को फैलाए। और मिलता हूँ मैं किसी और अच्छे स्ट्रेटजी के साथ अगले वीडियो में।